जिले के नर्मदा किनारों पर जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे शासन डूब प्रभावितों का सामान सहित अन्यंत्र जगह शिफ्ट करने में जुट गई है, लेकिन डूब प्रभावित डूब क्षेत्र से हटने को तैयार नहीं है। ऐसा ही मंजर पिछोर में देखने को मिला, जहां अपर कलेक्टर के साथ स्थानीय अधिकारी पहुंचे और डूब प्रभावितों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। जिले के डूब प्रभावित क्षेत्र पिछोर में शासन गाँव से डूब प्रभावितों को समझा बुझाकर सामान गाड़ी में रखवा ही रहा था। इस दौरान गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आनन फानन में आयसर वाहन में ग्रामीणों का सामान रखकर उन्हें अनंत्र जगह शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जबकि डूब प्रभावितों का साफ कहना है कि सरकार उनका मुआवजा दे दे, जमीन दे दे तो तुरंत ही गाँव खाली कर देंगे। किस पद पर आप? मैं अपर कलेक्टर बड़वानी हूँ, रेखा राठौर। सर, ये मकान क्यों खाली कर रहे हैं? ये डूब क्षेत्र में सदा सरोवर परियोजना में डूब में आ रहे हैं, तो ये 134 लेवल के मकान है, इनको हमको खाली कराना है। कितने मकान है आज? 15 मकान है जिनको हमको आज खाली कराना है। अभी लेवल क्या है मैडम? अभी हमारा 132,500 यानी 133 के ऊपर ही जा रहा है, लगातार बढ़ने की संभावना है। कब तक ये डूब में आ जाएगा ये क्षेत्र? अब वो तो पानी के ऊपर है कि वहाँ ऊपर से फ्लोज कितना होता है, और हम लोग तो आज ही मान के चल रहे हैं कि आज ही ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग तो निकाल रहे हैं इनको। स्वेच्छा से निकाल रहे सब लोग? स्वेच्छा से जा रहे हैं लोग, आप देख ही रहे हैं कि स्वेच्छा। क्या व्यवस्था रखी इनके लिए? हम लोगों ने परिवहन के लिए रखे हैं, साधन लगाए हैं, गाड़ियाँ लगाई हैं, और हम उनको सुरक्षित लिए जहाँ चाहेंगे। अगर इनकी बसाहट में कोई मकान है या फिर नहीं है तो हम टीन शेड में लेकर जाएंगे इनको।